Hello student, good afternoon. Myself Jackson, your teacher. In previous video, I discussed about numerical problem or some numerical practice. Okay? So today, I will start again numerical problem. Please look on the board, the question. The focal length of an concave mirror is 10 cm. Where should an object be kept in front of the mirror so that all image be 5 times of the object? What image be? First question, real. Second question, virtual. And also find position of image. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैंने तो कल ही पिछले की वीडियो में बताया था कि आपको कुछ लेंथी क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा स्टूडेंट लॉन्ग में आएगा, वेरी लॉन्ग में आएगा, 4 मार्क्स से 7 मार्क्स तक आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यहाँ पे रियल, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे वर्चुअल। अरे ये रियल वर्चुअल है, ये पोजीशन भी बताना है इमेज का। जब रियल होगा तब क्या होगा, जब वर्चुअल होगा तब क्या होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा स्टूडेंट, कॉनकेव है। ओके, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ नोट कर लो स्टूडेंट, फोकल लेंथ एस इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका हम नोट कर लेते हैं। अब आते हैं देखते हैं आगे, रियल जहां शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने रखा गया है, सो दैट फॉर इमेज बी 5 टाइम। स्टूडेंट 5 टाइम क्या मतलब है, इसको समझाना बहुत जरूरी है, आपको समझना भी। ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज वाइज, देखो जी स्टूडेंट जब भी मैं क्वेश्चन में आपको 5 टाइम्स दिखा रहे हैं, डबल साइज दिखा रहे हैं, या 4 टाइम्स, हाफ टाइम, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, जब भी इस टाइम का वर्ड का यूज हो, तो इस क्वेश्चन में करने के लिए हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं। उस ट्रिक के बेस पे ये क्वेश्चन आप किसी भी टाइप का पूछेगा आप लगा लोगे। देखिए आप क्या लिखा है, 5 टाइम्स, तो किसके किसके बीच, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच, तो यहां लिखेंगे बी अपॉन यू इक्वल टू कितने टाइम्स लिखते हैं, 5 टाइम्स इक्वल 5 मिनट। ऑलवेज ऑलवेज हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, अगर यहाँ 4 टाइम होता तो 4 लिखते, अगर यहाँ पे हाफ होता 1/2 लिखते, अगर 1/4 होता 1/4 लिखते। ओके, तो ये बी अपॉन यू के फॉर्म में आ गया स्टूडेंट, गिवन है, ये 2 वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक, हम आपको फाइंड करना है रियल के लिए, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, हमें बी भी निकालना है कि बी पता नहीं है, और हमें यू भी निकालना है, यू भी पता नहीं है। अब फिर बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की, कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या था फॉर्मूला, 1/f = मिरर है, 1/f = 1/v प्लस 1/u। ओके, तो f की वैल्यू कॉनकेव मिरर क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, याद है ना आपको, कॉनकेव मिरर जो दिखा रहा है यहाँ पर माइनस यूज करेंगे, वो करते हैं 1/v, वी तो आपको निकालना ही है, वी आपको निकालना है, प्लस 1/u, यू पता नहीं स्टूडेंट, अब यू यहां से निकालो। ओके, अगर यू हमें यहां से निकालेंगे उधर कैसे यू निकलेगा, देख लेते हैं एक बार, 5 को नीचे ले जाओ, 5 को नीचे ले जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वी अपॉन क्या आएगा, 5, यू कहां जाएगा, ऊपर। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, इसके लिए और रियल
हमने आगे ध्यान से देखा और रियल और रियल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो फॉर रियल के लिए जब रियल कंडीशन में होगा तो यहाँ पे बी अपॉन यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे। डाउट हो रहा है तो एक काम करते हैं, अगर अच्छे लिखते हैं सॉरी मैं कहता हूं आप लिखो ऐसे तो देखने अच्छा लगे। और रियल, अब रियल के लिए पहला क्वेश्चन दिया फॉर रियल के लिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे v अपॉन u इक्वल टू माइनस फाइव। जब भी रियल बोलेगा स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करना, क्या करना माइनस साइन यूज करेंगे रियल के लिए। ओके अब फाइव को नीचे ले आओ तो v अपॉन माइनस फाइव इक्वल टू क्या u स्टूडेंट, ये u की वैल्यू होगी। ओके अब लिखो फॉर्मूला वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन v प्लस वन अपॉन यू। अब f की वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट कितना है 10, लेकिन अब क्या है कॉन्वेक्स करके भी अगर मान करेंगे अपॉन वन अपॉन v। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है v बाई फाइव, तो u जगह पे हम लोग v बाई फाइव लिखो, यहाँ क्या आएगा प्लस वन अपॉन v अपॉन माइनस फाइव। स्टूडेंट ये फाइव कहाँ चला जाएगा ऊपर, अगर कैसे आएगा तो यहां लिखो, तो यहां क्या आएगा माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू, ओके वन अपॉन बी है तो वन अपॉन बी प्लस माइनस माइनस बी नीचे लेगा फाइव बन जाएगा फाइव अपॉन बी। तो स्टूडेंट ये नीचे उनका सेम है तो बी 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 तक जाएगा, अब यहां क्या है वन माइनस फाइव, ये डाउट हो जाएगा आपका स्टूडेंट, ये मान हो जाएगा घटा दो वन अपॉन टेन इक्वल टू वन माइनस फाइव में क्या होता है माइनस फोर अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस बी, बी का मल्टीप्लाई वन में करो टेन का मल्टीप्लाई फोर में करो तो बी बड़ी कितना आया स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर। ये हमारा वैल्यू आ गया किसकी, बी की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, किसकी वैल्यू आ गई बी की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं यू की वैल्यू, किसकी निकालते वैल्यू यू की, ये लिखा है ना बी अपॉन यू इक्वल टू क्या दिया था फाइव दिया था स्टूडेंट, तो बी की वैल्यू है कितना 40 है, तो बी को ध्यान रखो 40 अपॉन यू इक्वल टू क्या फाइव, यू पर ले जाओ स्टूडेंट या तो काट दो क्या आ जाएगा एट आएगा एट अपॉन यू इक्वल टू वन, यू को मल्टीप्लाई कर दो यू इक्वल टू क्या है स्टूडेंट एट सेंटीमीटर, तो यानी कि आपका यू इक्वल टू कितना आया एट सेंटीमीटर। तो ये आपका सवाल आंसर हो गया स्टूडेंट, आई होप आपका समझ में आ गया होगा। ये रियल के लिए है, अभी सेकेंड बाकी है तो सेकेंड हम इसकी सॉल्व करते हैं, एक फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब लेते हैं वर्चुअल, जब वर्चुअल होगा तो हम यह क्या करेंगे स्टूडेंट, जब वर्चुअल होगा ना तो जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। आई होप सो आप लोग स्क्रीन शॉट लेके इसे नोट कर लेना, मैं वर्चुअल सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो वर्चुअल में हम फिर से शुरू करेंगे, अगर जिसको डाउट होगा तो शुरू से यहां देखिए। अब आते हैं किसके लिए स्टूडेंट और वर्चुअल और वर्चुअल, अब वर्चुअल में आएंगे तो हम जानते हैं कि v अपॉन u क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, अभी रियल था तो हमने मान लिए थे लेकिन क्या ये वर्चुअल है तो यहां प्लस हो गए, फिर लगा वही फॉर्मूला वन अपॉन f इक्वल टू वन अपॉन v प्लस वन अपॉन यू, तो यहाँ पे वन अपॉन टेन वो भी माइनस में जैसे मैंने बताया था यहाँ पे प्लस वन अपॉन बी प्लस, अब यू की वैल्यू कितना है दस रुपए अभी आप निकाले थे तो उसको ऊपर ले जाओ तो बी और नीचे ले जाओ किसकी वैल्यू आ गई यू की, यू की वैल्यू यहाँ आप लोग यू की वैल्यू आप क्या आएगा
बी अपॉन पाई एस, ये कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ले जाओ ऊपर, यहां कितना लिखेंगे? माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन बी, पाई कहां गया? ऊपर, प्लस पाई अपॉन बी, माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू बी भी है, सेम हो जाएगा, यहां पे वन प्लस फाइव, माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू सिक्स अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी वन का बी और सेंटीमीटर जो है ये आपकी बी की वैल्यू हो गई माइनस में, या क्या हो गया? बी की वैल्यू आ गई, वो किसके लिए? वर्चुअल के लिए। अब निकालेंगे हम लोग यू का वैल्यू, आप जानते हैं बी अपॉन यू कितना दिया है? फाइव दिया है ना, तो बी की वैल्यू आप ऊपर बढ़ाए हम लोग, तो माइनस सिक्सटी अपॉन क्या यू इक्वल टू फाइव, यू पर ले जाओ, माइनस सिक्सटी अपॉन फाइव इक्वल टू यू, कैंसिल कर दो बेटा, कितना आएगा? माइनस ट्वेल्व इक्वल टू यू, यू इक्वल टू माइनस ट्वेल्व सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये आपकी वैल्यू हो गई यू की। आई होप सो ये क्वेश्चन सामने आया होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन सही है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर सो दैट इट्स डबल साइज, बी और फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज डबल साइज। अभी मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 5 टाइम्स लिखा था, अब यहाँ डबल साइज आ गया ना, तो सेम कॉन्सेप्ट भाई यूज करें, ध्यान देखो हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया कितना 20 सेंटीमीटर, मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है, आपको पता है कॉन्केव मिरर क्या होता है? माइनस होता है, तो एफ कितना होगा तब? एफ कितना होगा? 20 अपॉन 2, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस लेंथ क्या होता है? हाफ होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? तो माइनस 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया स्टूडेंट। ओके अब आते हैं बी वाई, बी वाई पर कितना है? 2 दिया है, डबल साइज बोला मैंने पहले कहा था, डबल साइज ट्रिपल साइज फोर साइज हाफ साइज या 5 टाइम 2 टाइम जो भी हो, बी अपॉन यू के मेथड पर दिखा दिया। ओके अब जैसे क्वेश्चन वो आपको बोल रहा है वैसे आपका, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एफ की वैल्यू पता है कितना है? 10 है, 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन बी, हमें बी सॉल्व करना है, हमें बी फाइंड करना है स्टूडेंट, और यू भी फाइंड करना है, पहले बी निकाल लो, तो बी यहाँ पे प्लस देंगे 1 अपॉन यू, यू पे तो यहाँ पुट करेंगे, अब यू पे जब अगर यू बी निकालना होगा तो कैसे करेंगे इसको? देखो अगर बी निकालना ही होगा आपको तो टू नीचे ले जाएगा, टू नीचे ले जाना क्या होगा? बी बाई टू इक्वल टू क्या? यू, यू की वैल्यू कितनी हो गई? बी बाई टू हो गया, अब इसको पुट करें यहाँ पे, तो माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू वन अपॉन बी, यू की वैल्यू कितनी है? प्लस वन अपॉन, सॉरी यही देखना चाहिए था हमको, मैंने दोबारा लिख दिया इसको, तो माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू ओ क्या है, तो यही पे दूंगा ना, यू पे यू कितना है? वी अपॉन टू, ये टू पर जाएगा स्टूडेंट, माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू क्या आएगा? वन अपॉन वी प्लस टू अपॉन वी, अब एलसीएम ले लो, वन अपॉन टेन इक्वल टू वी का वी आएगा, एज ए वन प्लस टू कितना आएगा? माइनस वन अपॉन टेन इक्वल टू वन प्लस टू कितना आएगा? थ्री अपॉन बी, क्रम मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा? माइनस 30 सेंटीमीटर, ये तो हमारा बी की वैल्यू आ गई। अब निकालना है यू की वैल्यू, बी बाई यू इक्वल टू कितना दिया है? टू दिया है, बी कितना आया है? माइनस 30 आया है, यू पता नहीं यू निकालना ही है, यू को ले जाओ, माइनस 30 अपॉन टू इक्वल टू क्या? यू साठ का स्टूडेंट कितना आएगा? माइनस 50 सेंटीमीटर इक्वल टू यू, यू इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या स्टूडेंट
आंसर हो गया। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा लेंथी थे लेकिन बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। ओके देख अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके थैंक यू।